अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आदिल और मैं लेके आया हूँ वीडियो आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल लाइन टीचर के बारे में। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ आज मैं चार डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूँगा, कुलगाम, पुलवामा, बडगाम और अनंतनाग के बारे में। और जो जो डिस्ट्रिक्ट मैंने अभी इसमें मेंशन नहीं किया है उसकी वीडियो मैं विद इन आवर्स या नेक्स्ट डे में अपलोड करूँगा। बाकी सब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करना ना भूलेगा। अभी कुलगाम की बात करें, इसमें मैं सिर्फ जनरल की बात करूंगा, जनरल कैटेगरी और ग्रेजुएट की बात करूंगा। जो मैंने 89 to 95 स्कोर लिखा है ये सिर्फ ग्रेजुएट ग्रेजुएट और जनरल लाइन जो भी जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, कुलगाम में 89 से लेकर 95 स्कोर जाएगा। ठीक है, और इससे 95 से अब वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि ये टोटल बनता है आपका 75% से लेके 80% या 75 अबो से अबो जो भी परसेंटेज है उसमें आपका सेम सेफ स्कोर रहेगा। ठीक है, तो 89 से 95 तक, 95 से ऊपर जा ही नहीं जाएगा ही नहीं स्कोर। ठीक है, अब पुलवामा की बात करें, पुलवामा में इससे कम जाएगा, 85 to 90, तो मतलब 5 पॉइंट्स का इसमें डिफरेंस है कुलगाम और पुलवामा में। 85 से लेकर 90 तक अगर आपका 90 स्कोर है या 90 से अब है तो सेफ स्कोर है आपका, बिल्कुल घबराएगा नहीं। ठीक है, अब बडगाम की बात करें, इसमें बडगाम में थोड़ा पुलवामा से ज़्यादा ही जाएगा, उसमें 87 to 93%। ठीक है, अब अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग में 78 to 84, अनंतनाग में मेरिट ज़्यादा भी हो सकता था, लेकिन अनंतनाग में जो पोस्ट्स है, टोटल पोस्ट्स है इसमें 192 तो टोटल पोस्ट है, और जनरल के लिए ओपन मेरिट के लिए जो है ओपन मेरिट के लिए 109 पोस्ट है, इसलिए इसका ग्रेजुएट के लिए 78 से लेके 84 तक सेफ स्कोर है। 84 से अगर से ज़्यादा अगर किसी का स्कोर है तो मान लो वो इन है, उसको घबराने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और अब जैसे हम बात करेंगे कुलगाम में, कुलगाम में क्यों इतना ज़्यादा जा सकता है, चूँकि वहाँ सिर्फ ओपन मेरिट के लिए 31 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 53 पोस्ट है। ठीक है, बाकी जो जो डिस्ट्रिक्ट छूट गए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर पाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, थैंक यू।